जय राधा कुंज बिहारे यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 श्लोक संख्या 51 पर इस्कॉन नई दिल्ली में दिया गया। गोपी जाना बाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Yes, sir.
क्योंकि चंद्रशेखर में एक ही तालीम थी, वो थे
मथुरा की ओर जा रहे हैं। मथुरा और मथुरा जाते समय रास्ते में वो वाराणसी में रुके, शायद बंगाल से मथुरा जाने में बनारस रास्ते में आते हैं, गाड़ी भी यहीं से जाओ क्या कर दो बनारस होके जाती है। तो वहां पर भी बनारस में रुके और बनारस और वाराणसी 500 साल पूर्व मायावादी का अड्डा था, अड्डा शक्ति सब बड़े सन्यासी थे, सब हजारों सन्यासी थे, सब मायावादी थे। उनके नेता का नाम था प्रकाश नंदन सरस्वती। तो मायावादी किसे कहते हैं? कभी कभी भक्त सोचते हैं कि मायावादी कहते हैं जो व्यक्ति माया में हो, तो एक उसे देखा जाए तो सब इस रूप से माया के इस दृष्टि से मायावादी। पर मायावादी के द्वारा वर्णन है उनसे, क्योंकि भगवान के दिव्य स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। भगवान गीता में क्या कहते हैं? जन्म कर्म चामे दिव्या एवं अपना जन्म नहीं मेरा संसार प्रकट होना और प्रकट होना दोनों ही क्या है? दिव्य। भगवान ये भी कहते हैं अपना की मान बड़ा जो मूल कंपनी के व्यक्ति हैं वो ये सोचते हैं कि मैं जब प्रकट होता हूं मैं साधारण व्यक्ति समान बन जाता हूँ। भगवान कहते हैं, भगवान ये भी कहते हैं गीता में सात प्रकार चार प्रकार के व्यक्ति मेरे शरण नहीं आते, मैं चार और वो भी समझाते हैं कि चार श्रेणी के व्यक्ति मेरे शरण में आते हैं। तो जो मायावादी विचार के व्यक्ति हैं वो भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं मानते। जब वो भगवान के मंदिर में भी आएंगे तो भगवान के विग्रह को देखेंगे तो क्या कहेंगे? देखो ये मूर्ति है, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। जैसे कि उत्तर भारत में खासकर पंजाब हरियाणा दिल्ली में आर्य समाज इसका काफी प्रभाव है। आर्य समाज भी मायावादी विचार के हैं, क्योंकि वो मूर्ति पूजा में तो विश्वास नहीं करते हैं ना, वो यज्ञ में विश्वास कर रहे हैं और कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं कंपनी के बेटे। तो परम भगवान अपने आचार्य के रूप में प्रकट करते हैं, इस आचार्य पर भगवान में कोई अंतर नहीं। हमारे शास्त्रों में अनेक लीलाएं हैं जिनमें आप देख सकते हो किस प्रकार भगवान में कुछ अंतर नहीं। जैसे कि वो प्रसिद्ध साक्षी गोपाल की कथा है जिसमें वो गरीब ब्राह्मण को एक धनी ब्राह्मण ने भगवान के गोपाल के विग्रह के समक्ष ये वचन दिया था क्या कि मैं अपनी बेटी की शादी करवा लूंगा। और जब उसके रिश्तेदार ने इनकार कर दिया, अंत में उसकी बेइज्जती भी हुई क्योंकि धनी ब्राह्मण ने कह दिया था अरे भाई मैंने कहा वादा किया अपनी बेटी की शादी करूंगा इसके साथ, इसने तो मैंने पैसा लूट लिया। इस ब्राह्मण का इज्जत का प्रश्न था। ब्राह्मण जब गया गोपाल के यहाँ से निवेदन करने के लिए कि आप केवल के साक्षी मंगल आइए, तो गोपाल बिगड़ा ने कहा मैं साक्षी मंगल कैसे आऊं, मैं तो चल नहीं सकता, ये गवाही दी थी वृंदावन में और उन्होंने पहुंचना था उड़ीसा, देखो काफी लंबी यात्रा। तो उन्होंने कहा कि मैं चलकर गवाही दे कैसे आऊं वृंदावन से उड़ीसा, मैं तो चल नहीं सकता। तो ब्राह्मण भक्त ने पूरी श्रद्धा थी भगवान की असीम शक्ति में, तो उसने क्या कहा कि अगर आप बोल सकते हो तो आप चल भी सकते हो। तो भगवान ने भगवान साक्षी बने। इसी प्रकार आप मातानंदपुरी की कथा भी पढ़ते हो, किस प्रकार मातानंदपुरी को भगवान ने सपने में आदेश दिया था कि मेरी साधना करो, मुझे करने लगी है।
ने उनकी स्थापना की, परमात्मा पुरी ने उनकी स्थापना की, बड़े धूमधाम से उनकी पूजा आरंभ की, ब्रज का हार खाना उनकी सेवा में जुड़ गए, गोपाल की सेवा रहे। फिर मातानंदपुरी की इच्छा हुई, मातानंदपुरी के भगवान ने आए सपने में कहा, मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, मुझे जब चंदन बांटे तो मातानंदपुरी गोवर्धन से उड़ीसा तक आए पहले भगवान के लिए चंदन लाने के लिए। और जब वो गोपीनाथ के मंदिर में पहुंचे रघुना में, तो उनकी हृदय में भावना प्रकट हुई कि अगर मुझे इस मंदिर की खीर चढ़ने का मौका मिल जाए तो मैं लौटकर मेरे गोपाल के लिए इतनी सुंदर खीर बनाऊंगा। क्योंकि उस समय भी ये कहा जाता था कि जो खीर गोपीनाथ जी को चढ़ाई जाती थी उसका नाम था अमृत खीर, जो अमृत खीर मतलब जो खीर स्वर्ग से बन कर आती है, तो वो खीर सबसे मीठी थी। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम जब देखते हैं कोई व्यक्ति अच्छा अच्छी सेवा कर रहा है तो उससे प्रेरणा लेते हैं। जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु भी अपने साथियों के साथ गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे, हाँ गुंडीचा है महाराज पत्नी का नाम, तो गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे तो सब ज्ञान नए इकट्ठा कर रहे थे, बाल्टी ला रहे थे दूर से और साफ करते वक्त कोई कुछ शब्द नहीं बोल रहा था, केवल हरे कृष्ण का उच्चारण और हाथ से इशारा और सफाई कर रहे थे, कहीं जो सफाई कर रहे थे ज्यादा ज्ञान निकालते थे और कहीं जो सफाई कर रहे थे इसी गंध सीख कर नहीं निकाल पा रहे थे। तो महाप्रभु ने जो भक्त ज्यादा ज्ञान निकाल रहे थे मलकर, उनको कहा तुम ये सिखाओ कि कैसे मलकर ज्यादा ज्ञान निकाला। तो महाप्रभु जी ने भी हमें शिक्षा दी कि अगर कोई भक्त ज्यादा अच्छी तरह सेवा कर पाता है तो वही ज्ञान योग्यता तो दूसरों को भी सिखा सकते हैं। हम हमें संस्था में भी देखते हैं जब कोई भाई को किसी सेवा में जोड़ता है, वो कृष्ण विष्णु है कोई भी, तो पहले हम उसको जोड़ देते हैं जिसके साथ जिसका अभ्यास हो इस क्षेत्र में, तो दूसरे को देखकर वो भी सीख जाता है। तो मानवपुरी की इच्छा क्या थी कि अगर उसे ये चढ़ने का मौका मिल जाए अमृत के लिए ये, तो फिर वापस लौट कर वो भी इस प्रकार की खीर बनाएंगे अपने गोपाल। पर अफसोस की बात यह थी कि इच्छा प्रकट हुई जब भगवान को भोग लग रहा था, पुजारी के भगवान भोग लगा रहे थे, नियम यह है शास्त्र के अनुसार कि जब आप भोग तैयार कर रहे हो तो आपके मन में यह विचार आना चाहिए कि भोग में प्यार कर रहा हूं अपने भगवान के लिए, ये नहीं कि भोग लगाते ही मैंने चखना है। कई बार हम भोजन बना रहे हैं और सोचते हैं हाँ भोग लगा देंगे हमने चखना की समोसा, नहीं, हमारा भाव होना चाहिए कि हम ये भोग तैयार कर रहे हैं पर भगवान के लिए। इसलिए नियम यह है कि जब आप रसोई से प्रसाद को ले जा रहे हो ऑल्टर में भोग लगाने के लिए, उसको हम ढक देते हैं कि कोई देख ही नहीं सके, भगवान से पहले किसी के नेत्र उस पर नहीं पड़ना चाहिए। और जब हम भोग लगा रहे हैं हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं आप कृपा करके भोग को स्वीकार कीजिए, और फिर आप ये नहीं भोग लगाते हैं एकदम उठा कर ले आते खाने के लिए, तो भगवान के सामने रखते हैं 15 मिनट 20 मिनट के लिए, भगवान आराम से खाए फिर उसको निकाल कर लाते हैं बाहर खाने के योग्य हो जाते हैं। तो मातानंदपुरी ने ये इच्छा प्रकट की अपने हृदय में कि मुझे चखने का मौका मिल जाए, जबकि भोग लग रहा था और जैसे उन्हें पता लगा कि चखने की इच्छा प्रकट हुई वो जैसे भगवान को भोग लग रहा था वो शर्मिंदा हो तो मेरी इच्छा प्रकट की जब भगवान को भोग लग रहा था तो बिना चखे वो मंदिर छोड़कर चले गए, चले गए रघुना में भगवान का भजन करने के लिए। तो परम
भगवान अपने भक्तों के हृदय को समझते हैं, पहचानते हैं। तो भगवान ने क्या किया, क्या चमत्कार किया? उसने रात को एक खीर का प्याला चुरा कर ओके से, जैसे हम भोग लगाते हैं प्याले में थाली में, एक खीर के प्याले को चुरा कर पर्दे के पीछे रख दिया। और उस दिन रात को जो उस मंदिर के पुजारी थे उन्हें सपने में कहा, हे पुजारी, मैंने एक खीर का प्याला एक उस पर्दे के पीछे छुपा कर रखा है, तुम सुबह इस खीर के प्याले को लेकर, एक माधवनपुरी नाम का संत है, क्योंकि पुजारी का परिचय नहीं था माधवनपुरी से, एक माधवनपुरी नाम का संत है, जो भी आपको इस स्थान में मिलेगा रमना में, वहां वो भजन कर रहे, वहां जाकर उसे पूछा रहे। तो सब में विश्वास नहीं किया, भगवान ने खीर का प्याला जो आकर पढ़ने के पीछे रखा है, कभी इतिहास में किसने सुना नहीं है इस घटना। तो पुजारी जी गए सुबह भगवान को जगाया, जैसे हमारे पुजारी जी साढ़े चार बजे आप लोग आरती के लिए आते हो, तो पुजारी घंटा पहले चार जाते हैं, भगवान को जगाते हैं, प्यार करते हैं, जिसके बाद आप उनका दर्शन ले सको। तो उनको जगाया और देखा जाकर ये सच था, ये सचमुच ही एक घी का प्याला रखा हुआ था भगवान ने पर्दे के पीछे छुपा रखा। फिर वो पुजारी गया भागवत के गुरु खोजने के लिए और उसने पूछकर कहा, तुम इतने भाग्यशाली भक्त हो कि तुम्हारी प्रशंसा के भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर रखा था पर्दे के पीछे। इस प्रकार ने मिला है जिसके द्वारा आप ये देख सकते हैं कि भगवान के जो अनुग्रह है इसमें भगवान में कोई अंतर नहीं। आप लोग वृंदावन जाते हो, राधा रमन जी का दर्शन देते हो, राधा रमन जी राधा राम के बाद में बोले मूर्ति है, तो उस विग्रह वो विग्रह पहले एक समय शालिग्राम था, शालिग्राम भगवान के रूप में पत्थर के रूप में राम और शालिग्राम था। और एक दिन एक धनी व्यक्ति आया था जिसने बहुत भेद दी थी साड़ी गहने वगैरह, तो सोच रहे थे मैं भेद से क्या करूँगा, क्योंकि शालिग्राम की पूजा तो आप तुलसी और चंदन के साथ कर सकते हो, जल के साथ, पर सोच यही सोचते सोचते मैं भेद से क्या करना सो गए। इस सुबह उठे तो देखा कि वो शालिग्राम प्रकट हो गया है भगवान के सिद्ध रूप में, तो भगवान के विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, एक बड़े डाकखाने में आप पत्र डालो या डाक के डब्बे में, आजकल डब्बों का जमाना समाप्त हो गया, आजकल तो डब्बे पोस्ट बॉक्स देखते नहीं है, हम कहाँ भी देखते हैं आप लोग, पहले तो कोने कोने में देखते थे है ना, ये आप वहां डाल सकते थे, डब्बों में डाला है बड़े पोस्टर में डाला पत्र पहुंच जाता था। तो प्रभु जी उदाहरण देते थे कि साथ मिलकर भगवान में कोई अंतर नहीं है, केवल हमारी श्रद्धा पर निर्भर है। तो जब मायावादी विचार के व्यक्ति हैं ना, वो भगवान के आचर विग्रह में विश्वास करते हैं, ये नहीं सोचते भगवान का दिव्य रूप है, स्वरूप है, भगवान प्रकट हो सकते हैं, दिव्य कार्य लापों का पालन करते हैं, उसको निभाते हैं। मायावादी उनका क्या कार्य है, सारे दिन वेदांता ही पढ़ते रहते हैं, शासन का अध्ययन, और शासन अध्ययन तो करें उसमें कोई नुकसान है, ये तो अच्छी बात है, पर ये वेदांता के भाव को बदल रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास लेने के बाद गए थे जगन्नाथपुरी में, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन लेते और दर्शन लेते बेहोश हो गए भक्ति भाव से। तो पहले तो लोग सोचने लगे शायद उनकी मृत्यु हो गई, फिर वहाँ एक बड़े प्रसिद्ध मायावादी सब सन्यासी थे सर्वभौम भट्टाचार्य, वो उस समय वहीं रहे थे, तो उन्होंने एक रूढ़ी का रूढ़ी को रखा विमान के सामने, नहीं नहीं अभी तो सांस ले रहा, तो उन्हें उठाकर वो अपने घर ले गए, अपने घर ले गए, महाप्रभु के वहाँ बेहोश पड़े गए थे। थोड़ी देर बाद नंदा जी और उनके दूसरे साथी आए महाप्रभु जी को खोजने के लिए, घूम
ढूंढने के लिए। तो जब वो जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंचे तो उन्हें पता लगा, सुनने में आया कि एक बड़ा प्रसिद्ध खूबसूरत सन्यासी आया था, भगवान देख ले जगह 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 कहते ये बेहोश हो गया, वैसे उठा कर वो ले गए हैं सर्वों को नचाया के गाँव। तो नितिन नदी तुरंत पहचान गए ये जो स्वयं भगवान महाप्रभु थे। और वहां वो पहुंचे, उन्हें देखा महाप्रभु जी को और हरे नाम और कीर्तन किया, सारी मांगकर महाप्रभु जी पूछने आ गए। सर्वों को नचाया को कुछ अंदाजा नहीं था कि सन्यासी को होश में कैसे लाया जाए, पर नितिन नंदा जी को पता था मिला और उन्हें कीर्तन करके उन्हें होश में लाया। तो सर्वों ने छाया बहुत प्रभावित हुआ इस खूबसूरत सन्यासी को देखकर। उनके मनोई थे जिनका नाम था गोपीनाथ आचार्य। तो गोपीनाथ आचार्य में पूरा विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो गोपीनाथ आचार्य ने सर्वोपर आचार्य को कहा था ये सन्यासी भगवान है, पर भगवान नहीं हो सकता, ये मैं मानता नहीं, खास प्रसिद्ध सन्यासी है पर भगवान नहीं हो सकता। सर्वोपर आचार्य सोचने लगे ये इतना सुंदर खूबसूरत सन्यासी है, जवान 24 साल का, 25 साल की उम्र में महाप्रभु जी ने सन्यास ले लिया, कहीं कोई माया से आकर्षित नहीं कर रहा। उनको डर था कि माया इसको आकर्षित नहीं कर ले या कोई खूबसूरत स्त्री उसको आकर्षित नहीं कर ले। तो उन्होंने कहा तुम बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें वेदांत सुनाना चाहता हूँ। महाप्रभु जी चुपचाप बैठे, 7 दिन और 7 रात के लिए सर्वोपर आचार्य ने क्या सुनाया हमें, वेदांत सूत्र का अपना भाव अर्थ कर दिया अपना भाव। पर महाप्रभु जी ने एक शब्द नहीं कहा ना ही कोई प्रश्न पूछा। अक्सर कुछ कारकों का भी प्रश्न नहीं किया, कुछ नहीं कहा। तो सर्वोपर आचार्य जरा विचलित हो गए थे, वो समझ नहीं पाए ये सन्यासी का समझ पा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, या क्योंकि कई बार आप प्रश्न नहीं पूछे लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ, ना आपकी रुचि या आपकी कोई रुचि नहीं है उस विषय में। तो उन्होंने कोई प्रश्न पूछा नहीं। तो सर्वोपर आचार्य ने कहा आपको समझ आ रहा है कि मैंने क्या समझाया, आपने 7 दिन 7 रात सुना कोई प्रश्न नहीं पूछा। तो महाप्रभु ने कहा कि वेदांत सत्व का जो संदेश है इट इज एज ब्राइट एज अ ब्राइट सनशाइन, देखो सूर्य की रोशनी जब हो तो सब कुछ देखो साफ नजर आता है, पर आपने अपने भावों को जोड़कर उसके असली संदेश को ढक दिया है जैसे बादल सूर्य की रोशनी को ढक दे रहा है। तो ये है माया वाली इसका कार्य, वो भगवान की वाणी को लेकर अपने विचारों को जोड़कर भगवान के विचारों को ढक देते हैं अपने मायावादी सिद्धांत के अनुसार। तो यही कि मायावादी लोग सिद्धांत पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं पर वो पढ़कर अपने मायावादी विचारों से ढक देते हैं, ये स्थापित करने के लिए कि भगवान निराकार है, भगवान का स्वरूप नहीं, भगवान प्रकट होने से साधारण व्यक्ति समान बन जाते हैं। तो ये मायावादी सन्यासी ने देखा महाप्रभु जी जब बनारस से गुजर कर जा रहे थे मथुरा की ओर, उन्होंने देखा कि महाप्रभु जी बनारस में ठहरे थे पर उनके पास उठने बैठने के लिए कोई आई नहीं, वहां हजारों की सभा में थे ये मायावादी सन्यासी, महाप्रभु जी बनारस से गुजर के गए उनके पास उठे नहीं बैठे नहीं कुछ नहीं, अपने भक्तों के घर में रहे, फिर गए मथुरा भगवान का दर्शन लेने के लिए। तो मायावादी सन्यासी ने कहा कि अभी सन्यासी सन्यासी का धर्म है कि वेदांत सूत्र को पढ़े सारा दिन ही पढ़े, ये उनका धर्म है। और ये सन्यासी पागलों जैसे नाचता है गाता है सेंटिमेंटल देखो सेंटिमेंटल को क्या कहते हैं भाव भाव। तो चैतन्य महाप्रभु जी को निंदा कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु असल में
छोटी सी आयु में ही संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बन गए थे, इसलिए उनको पंडित बुलाया जाता था। आज तक आप देखते हैं पंडित गोस्वामी स्वामी ज्ञात बन गए हैं, तो पंडित का अर्थ है जो कि बड़ा, जिसके पास शास्त्रीय ज्ञान हो और साथ में शिष्य हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी को पंडित जी बुलाते थे सर, आजकल तो बिल्कुल पंडित के समान नहीं था, पर पंडित जी उसे बनाना चाहिए जिसके पास शास्त्रीय ज्ञान भी हो और जिसका आचरण भी हो। शास्त्र पढ़ा था लेकिन इन्हीं की केवल ज्ञान और आचरण नहीं हो। तो ये जो मायावती सन्यासी थे, उन्होंने देखा जब महाप्रभु जी बनारस से गुजर कर जा रहे थे कि वो हरिनाम कर रहे थे, उन्होंने कह रहा था कि माई छोटी आयु में संस्कृत के विद्वान बन गए थे। छोटी आयु में ही उन्होंने नवद्वीप के सारे प्रसिद्ध पंडितों को हरा दिया था सबको। जैसे आजकल क्रिकेट कॉम्पिटिशन होता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप वगैरह होता है, उन्हें हमें संस्कृत भाषा के पर निर्भर डिबेट्स होते थे, उन्होंने सबको हरा दिया सबको। भारत में एक केशव कश्मीरी था जिसने सुना था निमाई की प्रशंसा, तो केशव कश्मीरी भी आए थे निमाई के साथ संस्कृत भाषा में डिबेट करने के लिए, उनको भी हरा दिया था। तो निमाई कहते और छोटी सी आयु में ही उन्होंने संस्कृत का पाठशाला भी खो गया था, यहाँ की संस्कृत की शिक्षा वगैरह दूसरे विद्यार्थियों को। तो छोटी सी आयु में ही उनकी महिमा फैल गई थी पूरे भारत में, इस रूप में ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान। तो मायावती सन्यासियों को भी पता था कि ये निमाई पंडित संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो जब उन्होंने देखा कि ये बनारस से गुजर कर गए हैं और बिल्कुल रुचि नहीं थी वेदांत सूत्र की चर्चा में या अध्ययन में, तो उनकी आलोचना करने लगे। अरे ऐसा सन्यासी है, सेंटिमेंट समझता है कि बहुत जानता है, कि हरिनाम करता है पढ़ता नहीं। हम लोग जब हरिनाम में जाते हैं कई बार लोग हमारी बेइज्जती करते हैं, देखो ये सेंटिमेंट लोग क्या नाच रहे हैं गा रहे हैं। हम हरा के हरिनाम में जाना चाहिए सब भक्तों को। हरिनाम में जाने से भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का प्रचार कराया इस हरिनाम के माध्यम के द्वारा। जब हरिनाम में जाते हो कई तो बड़ा आनंद उठाते हैं, भगवान का नाम सुनने का मौका मिल रहा है, वो भी साथ जुड़ जाते हैं आपका अभ्यास होगा। पर कई कहते हैं खास करके विदेशों में जब भारतीय लोग देखते हैं इस्लाम के भक्त हरिनाम कर रहे हैं, क्या हमारे धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं, हमारे देश का देश की बेइज्जती कर रहे हैं, ये नाच रहे हैं गा रहे। तो महाप्रभु जी जब हरिनाम कर रहे थे मायावती को ये अच्छा नहीं लगा। मायावती की बात क्या ये हरिनाम कर रहे हैं, असली धर्म तो है वेदांत सूत्र का अध्ययन। और चैतन्य महाप्रभु जी ने दो महीने में रहे थे और उन्होंने सनातन गोस्वामी को भक्ति के विषय में शिक्षा दी। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी उस समय के बड़े प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे, जो राजनीतिक कार्य पर कर रहे थे हुसैन शाह के साथ राज्य में, पर वो थे भक्त। पर हालांकि रूप और सनातन संस्कृत के बड़े पंडित थे, छोटी सी आयु से उन्होंने भक्ति संबंधित किसी ग्रंथ की रचना नहीं की, केवल रचना आरंभ की जबकि महाप्रभु ने उन्हें शिक्षा दी उसके पश्चात। वैसे तो हम देखते तो आप संस्कृत के थोड़े थोड़ा ज्ञान हो वहां में आपको बड़ा पद्य समझना अपनी व्याख्या देना आरम्भ कर देते हैं, पर रूप और सनातन ने हालांकि छोटी सी आयु से वो संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने कोई ज्ञान की रचना नहीं की, ये सारे ग्रंथों की रचना उन्होंने आरम्भ की। प्रभुजी स्पष्ट समझाते हैं कि वो महाप्रभु जी के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात। तो दो महीनों के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी, जो कि उन्होंने हमें दी है हरिभक्ति उदास और दूसरे ग्रंथों के माध्यम के द्वारा। तो
तपन मिश्रा और चंद्रशेखर जैसे ने कहा महाप्रभु जी के दो भक्त थे, योगी कहाँ रहते थे बनारस में। तो महाप्रभु जी जब जा रहे थे बनारस वृंदावन की ओर, उन्होंने ये आलोचना सुनी थी, उनके भक्तों ने आके कहा ये सन्यासी आके दिन रात निंदा कर रहे हैं, और महाप्रभु ने परवाह नहीं की। तो प्रभुपाद जी इस विषय में समझाते हैं इन श्लोकों के तात्पर्य में कि भक्त जो है अगर कोई उसकी आलोचना करे तो उसकी वो चिंता नहीं करता, उससे वो विचलित नहीं होता। पर जब भक्त देखता है कि परम हनुमान या उनके भक्तों की कोई आलोचना कर रहा है, फिर वो क्रोधित होता है। यहाँ ये मायावादी सन्यासी महाप्रभु की आलोचना कर रहे थे, अरे कैसा सन्यासी है, महाप्रभु ने उनकी परवाह नहीं की। अगर कोई आपकी आलोचना करे, अरे भाई ये तो घमंडी भक्त है, प्रकार का भक्त है, तो क्रोधित मत होना। अगर कोई परम भगवान या वैष्णव की निंदा करे, फिर आपको अधिकार है क्रोधित होने के लिए। पर क्योंकि अगर किसी ने आपको दो शब्द सुना दिए और आपने भी निर्णय पर झेला किया, आप भी वापस क्रोधित हो गए, तो वो महाप्रभु के सिद्धांत के विरोध में। और यहाँ स्पष्ट उदाहरण है कि मायावादी सन्यासी महाप्रभु की निंदा कर रहे थे, उनके भक्त आकर कह रहे थे कि महाप्रभु जी हम सह नहीं सकते आपकी निंदा कर रहे हैं, और महाप्रभु जी ने आपको कोई चिंता की बात नहीं, और उन्होंने सह लिया वो अपराध। तो महाप्रभु गए वनराज, वहां से जब लौटे, तो जब वो लौट कर आ रहे हैं, तो जब ये दो भक्त चंद्रशेखर और तपन मिश्रा इन श्लोकों का उच्चारण करें, अभी जो आप श्लोक इस अध्याय के पिछले श्लोकों में आपने पढ़ा कि महाप्रभु जी कैसे गए बनारस से गुजर कर वृंदावन में, और अभी वृंदावन से वो लौट रहे हैं, तो लौटते समय उनके चंद्रशेखर के गए। जैसे मैंने कहा चंद्रशेखर भगवान के बड़े प्रिय ऊंचे कोटि के भक्त थे, पर उनकी जाति क्या थी, शूद्रा जाति थी, पर महाप्रभु ने परवाह नहीं की। और महाप्रभु जी भोजन खाने किसके घर जाते थे, तपन मिश्रा के घर, जो उनके एक और प्रसिद्ध भक्त है। तो महाप्रभु जी के जो दो प्रसिद्ध भक्त हैं तपन मिश्रा और चंद्रशेखर, वो इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम बेइज्जती सहेंगे, हमारी बेइज्जती नहीं सही जा रही, हाँ हमें तो अपने शरीर को त्याग देना चाहिए, ये बेइज्जती सुनने के बजाय। कहा गया है कि अगर आप किसी वैष्णव की निंदा कर रहे हो, नहीं माफ करना, अगर आप किसी वैष्णव की निंदा सुन रहे हो, तो सबसे बेहतर है आप उसे हरा लो। अगर हरा नहीं सकते तो स्थान छोड़कर चले जाओ, अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या शरीर त्याग। तो ये लोग भक्त कह रहे हैं कि हम आपकी बेइज्जती सह नहीं सकते, हम अपने शरीर को त्यागने को तैयार हैं, ये जो सन्यासी हैं ये आपकी बेइज्जती कर रहे हैं और हम आपकी आलोचना सह नहीं सकते, ये आलोचना सुनकर हमारे हृदय है टूट रहा है, हृदय में दर्द है ये आलोचना सुनकर। तो भक्त जो है भगवान की आलोचना नहीं सुन सकता। और प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में तीन श्रेणी के भक्तों की चर्चा करते हैं, जिन्हें हम उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी के नाम से जानते हैं। कनिष्ठ अधिकारी भक्त उसे कहते हैं जिसकी भगवान में श्रद्धा है पर बिल्कुल पक्की श्रद्धा है, मानता है भगवान है, नास्तिक नहीं है, आस्तिक है, मानता है भगवान है पर बड़ी कठोर श्रद्धा नहीं, और जिसका शास्त्रीय ज्ञान जो है कमजोर है। और कनिष्ठाधिकारी ये सोचता है भगवान केवल धर्म के स्थान में उपस्थित हैं, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, पर हर स्थान में उपस्थित हैं। तो कनिष्ठाधिकारी का ज्ञान है पर छोटी मात्रा में भगवान में श्रद्धा। वे दूसरी श्रेणी के भक्त हैं मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी भक्त भगवान को
जब पूरा विश्वास करता है, उसको पूरा विश्वास है कि सर्व भगवान यहाँ चीज के कारण है, स्वामी है, फिर भगवान के भक्तों में विश्वास करता है, उनको इज्जत देता है, वो जानता है कि भगवान के भक्त भगवान के प्रिय हैं, हमें उन्हें आदर देना चाहिए, उनकी संगत का लाभ उठाना चाहिए, साधु संगत के लिए उत्साहित रहता है। फिर वो उन्हें देखता है जो जिनके पास भगवान के विषय में, जो भगवान के विषय में या भगवान की असीम शक्ति के विषय में थोड़े अज्ञानता में है, तो उनके प्रति उसका भाव यह होता है उनको प्रचार करके भगवान के चरणों में ले आना चाहिए। और फिर वो चौथी फिर ये देखता है जो भगवान के शरणागत नहीं है, वो स्पष्ट रूप से नास्तिक है, भगवान के शरण का होने के लिए केवल भगवान की निंदा करते रहते हैं। तो जो मध्यम अधिकारी श्रीनी का भक्त है, भगवान को देखता है, उनके भक्तों को पहचानता है, और ये भी पहचान लेता है ये व्यक्ति भगवान के शरण का हो सकता है, पर किसी कारण अज्ञान कर रहे हैं, तो उसे देखकर उसको प्रयास करता है उसको भगवान की सेवा में जोड़ने के। फिर वो देखता है ये स्पष्ट नास्तिक है, इसे कोई रुचि नहीं, चाहे कितना भी बोलो फिर मेरे को ये स्वीकार नहीं करेगा, तो ऐसे लोगों से वो दूर रहता है। सबसे उच्च कोटि का भक्त है उत्तम अधिकारी, जो कि हर जगह भगवान को देख रहा है, विद्या संपन्न एक पशु को भी देखे तो देखता है कि भगवान उसके हृदय में निवास विराजमान है, वो जानता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं, और भगवान भी जब प्रदा पिता भगवान है, हर योनि के पिता, और क्योंकि वो मानता है कि ये सब भगवान की औलाद है, वो किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। तो तपन मिश्रा और चंद्रशेखर, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े प्रिय भक्त थे, इसके लिए ये सह नहीं सके भगवान का अपराध, तो इन्होंने महाप्रभु जी को तपन मंत्र दिया, आप आइए मेरे घर में प्रसाद खाने के लिए। सन्यासी जो है कई बार रियासत के घर में भोजन खाने जाते हैं उन्हें पवित्र संगत देने के लिए, तो तपन मिश्रा ने महाप्रभु जी को बुलाया अपने घर में प्रसाद खाने के लिए, और उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में मायावादी सन्यासी को भी बुला रहा हूँ, तो उन्हें भी बुलाया। तो महाप्रभु जी, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, महाप्रभु जी गए और उन्होंने, महाप्रभु जी ने हमें क्या सिद्धांत दिया है, मना देना के तनाली सदा भाई, अगर आप सदा उस स्थिति में रहना चाहते हो क्या हरि के नाम का उच्चारण करो, तो निम्रता के साथ हमें व्यवहार रखना चाहिए और उच्चारण करना चाहिए। तो महाप्रभु जी संन्यास किस लिए लिया, उन्होंने पति तो का उद्धार करने गए, सबका उद्धार कर गए। एक समय महाप्रभु जी गोपी 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 कह रहे थे कि महाप्रभु जी भगवान है, प्रकट हुए थे राधा भाव में, महाप्रभु जी ने शिक्षा दी है कि जो गोपियों का भाव था उसकी कोई तुलना भी नहीं कर सकता, ये सबसे ऊंचे कोटि का भाव था, जो भी व्यक्ति सरते हैं ये कोई बहुत ही रिश्ता था, ये तो कोई आत्मिक रिश्ता था। तो एक संसिद्ध विद्वान था विद्यार्थी, जिसने महाप्रभु जी को देखा, गोपी 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 कहने लगे, तो कहने लगे अरे गोपी 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 जो कह रहे हो, अरे कृष्ण बोलो, तो महाप्रभु को शिक्षा देने लगे, तो वो समझा नहीं महाप्रभु किस भाव में गोपी 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 कह रहे थे। तो महाप्रभु उसके लिए संन्यास से पहले घटना, तो महाप्रभु उसके पीछे बैठे भागे क्रोधित भाव में,
सभी लड़के विद्यार्थी लौट गया उसके संस्कृत पढ़ने की सभा में, और ये सब निमाई के साथ लड़ने के लिए लड़ने के साथ सब निमाई सोचने लगे कि मैं प्रकट हुआ हूँ पतिता का उद्धार करने के लिए, और आज ये ऐसी बड़ी घटना बीती है जिसमें ये ब्राह्मण पंडित मैं से लड़ने के लिए आ गए गंडों के साथ। फिर माँ ने निर्णय किया कि मुझे संन्यास ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भारत में उस समय ये विवाद था कि अगर मायावती सन्यासी भी हो तो उसे कम से कम इज्जत देनी चाहिए, आदर देना चाहिए। तो महाप्रभु जी ने पहले 25 साल की आयु में सन्यास आश्रम ग्रहण किया, पर उन्होंने ये ग्रहण किया था किस लिए, समाज के हर श्रेणी के व्यक्ति को भक्ति के विषय में आकर्षित करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि महाप्रभु ने बुद्धिस्ट मायावादी सबको आकर्षित किया। एक समय महाप्रभु ने एक फिलोसफर चर्चा में बुद्धिस्ट नेता को हरा दिया था, तो जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने बड़ा अपमान महसूस किया, अरे इस सन्यासी ने हमारे गुरु को हरा दिया फिलोसफर डिबेट में। इन बुद्धिस्टों ने सोचा हमें इसका बदला लेना चाहिए, तो उन्होंने एक योजना बनाई, सड़े हुए प्रसाद को सड़े हुए खाने को एक थाली में लेकर आए और महाप्रभु जी को देने गए, मोबाइल फोन बंद करो गए, तो सड़े हुए खाने को लेकर आए एक थाली में महाप्रभु को दे रहे थे, ये महाप्रसाद हम आपके लाए मंदिर से लीजिए। तो जैसे वो थाली महाप्रभु जी को पहुंचा रहे थे एक बाघ आई जिसने सड़ा खाना खा लिया और वो पीतल की थाली जो थी उसे अपने मुंह में उठाकर गुरु के सिर पर गिरा दिया। मुझे वो भारी पीतल की थाली गुरु जी के सिर पर गिरी तो गुरु जी बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो उनके शिष्य समझ पाए कि उनके सत विचारों के कारण ये परिणाम बीता है, तो माँ की मानवीय गए चेतन महाप्रभु जी के चरण कमलों में कि और उन्होंने अपनी पूरी योजना बताई कि किस प्रकार उनके दुष्ट विचार थे और वो उनकी बेइज्जती कर रहे थे सड़ा खाना देकर, कृपा करके हमारे गुरु जी को बचाओ। तो महाप्रभु ने कहा तुम लोग जाओ और तुम्हारे गुरु के कान में हरे कृष्ण का महामंत्र सुनाओ। तो महामंत्र सुनाकर उस प्रकार गुरु जी के होश में आ गए और ये सारे बुद्धिस्ट क्या बन गए, वैष्णव बन गए। उसी प्रकार ये 10,000 सन्यासी थे मायावादी सन्यासी बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती के गुरु थे, तो ये महाप्रभु जी जब गए तो सन्यासी सब बैठे हुए थे ऊंचे स्थान में, महाप्रभु ने अपने पांव को धोया जैसे कि आप मंदिर जाने से पहले पांव को धोते हो, पर उन्होंने अपने दिव्य लीला प्रकट की। आज कल अनेक व्यक्ति दावा करते हैं स्वयं भगवान हैं, पर जब उनसे आप ये पूछो कि जरा अपने दिव्य लीला का नमूना तो दो, तो इसमें वो फेल हो जाते हैं, कहते हैं भविष्य में देंगे पर आज आज नहीं। पर महाप्रभु ने यहाँ अपने दिव्य लीला प्रकट की, उन्होंने अपने हृदय से अपने चेहरे से ऐसा प्रकाश प्रकट किया जो कि करोड़ों सूर्यों के द्वारा प्रकट होता है। करोड़ों सूर्यों का जो प्रकाश है, जैसे आज काफी प्रकाश है बादल में, करोड़ों सूर्यों का जो प्रकाश है वो उन्होंने प्रकट किया कैसे, अपने चेहरे से। तो प्रकाशानंद सरस्वती बुद्धू नहीं थे, वो समझ गए ये जो सन्यासी है इसमें जो खास दिव्य शक्ति है, और फिर वो उसके हाथ को खींचकर ले गए और उनकी बैठक में उन्हें बिठाया। तो महाप्रभु ने उनसे भी सेवा करवाई, क्या अज्ञात स्वीकृति, ज्ञात स्वीकृति, अज्ञात स्वीकृति, ज्ञात स्वीकृति उसे कहते हैं जब आप ज्ञान जानते हुए ये लाभकारी कार्य है आप उसको निभाते हो, अज्ञात स्वीकृति उसे कहते हैं कि आप बिना जाने सेवा कर देते हो जिसका आपको लाभ पहुंचता है।
जैसे आप हरिनाम में जाते हो कई लोग हंसते हुए कहते हैं देखो ये पागल हरे कृष्ण वाले फिर से आ गए। उन्हें हरे कृष्ण कहा तो अज्ञात सुकृति उन्हें लाभ पहुंचा है। किसी किसी बहाने आप कृष्ण का नाम आप किताबों को बांटते हो, कई लोग को लेते हैं कि जानते हुए जिसके द्वारा आध्यात्मिक कृपा प्राप्त होगी, कई ऐसे ले लेते हैं बिना जाने, पर अज्ञात सुकृति उन्हें सेवा कर रही है। तो प्रकाश सरस्वती महाप्रभु की खींच कर ले गए थे ऊपर। जब पहले महाप्रभु जी को कहा गया था अरे आप संस्कृत के इतने बड़े विद्वान हो, आप वेदांत सुंदर अध्ययन क्यों नहीं करते, क्या पागल जैसे पागलों जैसे नाच रहे गा रहे हो, महाप्रभु जी ने बड़ी निम्रता से कहा कि मेरे गुरु ने देखा कि मेरे लिए मेरे शास्त्रों के अध्ययन की योग्यता नहीं है। तुम तो मूर्ख हो, तुम्हारे में केवल हरि नाम की योग्यता है बस, इसलिए मैं केवल हरि नाम का उच्चारण कर रहा हूँ। तो इस उदाहरण से महाप्रभु जी ने ये भी प्रकट किया कि किस प्रकार का व्यवहार हमें रखना चाहिए। उन्होंने कहा मैं मेरे गुरु ने क्या कहा कि मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे में और ज्यादा योग्यता नहीं है, और इसलिए उन्होंने कहा कि तुम केवल हरि नाम का उच्चारण करो। तो महाप्रभु जी ने अपने संसार के दौरान हर प्रकार के व्यक्ति को आकर्षित किया कृष्ण भक्ति के प्रति, खास करके जब वो दक्षिण भारत की यात्रा की, जब वो नवद्वीप में थे उन्होंने अपनी दिव्य लीला प्रकट नहीं की थी, जब उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की तो वहाँ उन्होंने अपनी देवी लीला प्रकट की, और वहाँ यहाँ भी उनकी कीर्तन मंडली जाती थी, हर गांव में गए हर शहर में गए, वहाँ भी वो पहुँचते थे, दूर दूर से लोग उनके हरि नाम को सुनने आते थे और उनको देखकर तुरंत उससे प्रभावित हो जाते थे, हरि नाम आकर्षित हो जाते थे हरि नाम के प्रति। और फिर ये जब अपने स्थानों में लौटते थे दूसरे व्यक्ति इन्हें देखकर वो भी नाचना गाना पालन करते थे। इस प्रकार महाप्रभु जी ने पूरी प्रजा और दक्षिण भारत की उन्हें क्या वैष्णव बना दिया। और आज आप अफसोस के बदले जाओ तो वैष्णव की संख्या दक्षिण भारत में काफी कर गई है। तो चैतन्य चैतन्य चतुर्मिका में और चैतन्य भागवत में और चैतन्य मंगल में इन तीन ग्रंथों में महाप्रभु जी की लीलाओं का वर्णन है। और प्रभुपाद जी ने चैतन्य चतुर्मिका का अनुवाद इसलिए किया पहले कि चैतन्य चतुर्मिका में प्रभुपाद का सिद्धांत चैतन्य भागवत से ज्यादा है, चैतन्य भागवत में ज्यादा लीलाएं हैं तो चैतन्य चतुर्मिका में सिद्धांत ज्यादा है। और प्रभुपाद जी कहते थे कि हम सिद्धांत की ठीक रूप से समझें। तो संक्षेप में आज के इस श्लोक में चंद्रशेखर आचार्य और कपिल मिश्रा महाप्रभु जी से कह रहे हैं कि हम आपकी आलोचना नहीं सह सकते। ये सन्यासी चतुर्मिका का अनुवाद इसलिए क्या करे कि चैतन्य चतुर्मिका में फिलॉसफी या सिद्धांत चैतन्य भागवत से ज्यादा है, चैतन्य भागवत में ज्यादा लीलाएं हैं तो चैतन्य चतुर्मिका में सिद्धांत ज्यादा है। और प्रभु जी कहते थे कि हम सिद्धांत की ठीक रूप से समझें। तो संक्षेप में आज के इस श्लोक में चंद्रशेखर आचार्य और कपिल मिश्रा महाप्रभु जी से कह रहे हैं कि हम आपकी आलोचना नहीं सह सकते। ये सन्यासी आपकी आलोचना कर रहे हैं, ये आलोचना सुनकर हमारा हृदय टूट रहा है। फिर महाप्रभु ने अपने भक्तों के के निवेदन को स्वीकार करके ये महाप्रभु जी ब्राह्मण सबको प्रभावित किया, वैष्णव बनाया और फिर सब हरि नाम संकीर्तन में गए 10,000 भक्त में। हमारे नाम संकीर्तन निकालते हैं तो प्रभु जी है वो। प्रभुपाद जी ने हमें कई नियम दिए
मंगलाम की क्लास साथ में ये नियम भी दिया कि हरि नाम संकीर्तन रोज करना चाहिए। हमारे कई मंदिर हैं इस्कॉन के जिनके भक्त रोज जाते हैं, तो अगर हम रोज नहीं जाते तो हफ्ते में एक बार तो हमें जाना चाहिए। सब तैयार हो? हाँ, कोई ऊंचा जवाब नहीं करते हरि नाम वन सर भी बाकी सिद्धांत जी कहते थे अगर समाज में किसी चीज की भूख है या कमी है तो केवल इस ज्ञान जो हरि नाम सुनेंगे इससे प्रभावित होंगे। पश्चिम देश में हरि नाम द्वारा इतने व्यक्ति भक्त भी बने। छोड़ सकते हो ना हरा सकते हो बाद में नहीं नहीं कोई धनी व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति है अच्छा मतलब आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो या ठीक है कभी उठा आप प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं टाइम सेकंड चांसेस के अनुसार मतलब कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो नहीं पर भक्तों के साथ मीटिंग में आज भगवान की आलोचना थोड़ी करें अच्छा एक दूसरे की निंदा कर हमें ये भूलना नहीं चाहिए जब आप आलोचना करते हो बिना कारण के उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। वैष्णव अपराध से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। केंद्र महाप्रभु ने इसकी तुलना की है एक बाघ हाथी के साथ, तो बिना कारण आलोचना करना बिना कारण निंदा करना कई बार हम सोचते आलोचना करके हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे ठीक है एक दिन में बढ़ा लो पर अंत में अपनी भक्ति की जरूरत है। तो हमें आलोचना करने से पहले दस बार सोचना चाहिए हम सच बोल रहे हैं अगर सच्ची आलोचना है तो ठीक है। अगर आप किसी में कोई कमी देखते हो जिसके बारे में कमी देखते हो पर वो कभी भी अगर आप सुनाना चाहते हो तो उसका भी एक ढंग है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान जी की तपस्या की चर्चा करते हैं जी की तपस्या की चर्चा करते हुए कहते हैं हमें मिठास से बोलना चाहिए। अगर आपने सत्य भी बोलना है तो उसके मीठे रूप से बोलो। अगर आपने किसी को सुधारना भी है तो मीठे रूप से बोलो। ये भगवत गीता में से Truth can be spoken but speaking. Listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit zkgoswami.com.